एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हैप्पी टाइम्स। आज देखिए मैं बना रही हूँ समोसा इन अरेबिक स्टाइल। ये अरेबिक में समोसा कहते हैं, सऊदी अरब में इसको समोसा कहते हैं, लेकिन हमारे इंडिया में तो इसे समोसा कहते हैं। तो आज मैं समोसा बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। ये रमजान स्पेशल रेसिपी है मेरी, आप देखना, इसको बहुत ईजी है, बहुत अच्छे से मैं सिखाऊंगी आपको। चलो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ये देखिए, पहले हम उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। उसकी स्टफिंग के लिए, कीमे की स्टफिंग के लिए हम लोग, यहाँ पे मैंने हाफ के जी कीमा लिया है, 500 ग्राम्स कीमा लेके एक पैन में बस उसको रख दिया है। उसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है अभी। इसके बाद हम डालेंगे, जैसा ये कीमा पकना स्टार्ट हो जाएगा, इसका पानी रिलीज होगा, हम एक 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 उसके अंदर चीज़ें डालते जाएंगे, मैं दिखाऊंगी आपको। देखिए कीमा पकना स्टार्ट हो गया है, कलर चेंज हो रहा है, तो अब इस वक्त हम इसमें पानी डालेंगे थोड़ा सा। आप अपना गोश्त के हिसाब से पानी डालना, कितना टाइम लगेगा गलने के लिए उस हिसाब से आप डालना। देखिए अब इसको अच्छे से हम पकाएंगे कम से कम 10-15 मिनट तक। ये देखिए कीमा कैसे पक रहा है। अब इसमें पानी बहुत है, हमें ये सारा पानी ड्राई करना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले। ये देखिए रेड चिली फ्लेक्स मैंने लिए हैं 1 चम्मच, और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेना, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, बस इतने से ही मसाले जाएंगे। इसके साथ साथ मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी डालूंगी बाद में, अभी नहीं। तो अभी ये सब साथ में हम लोग इसके पकाएंगे, ये पानी ड्राई होने तक हम इसको ऐसे ही पकाएंगे। जैसे ही मसाले भी सारे सूखे पक जाएंगे, हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1/2 चम्मच बस। अगर आप चॉप करके डालना चाहें तो चॉप करके भी डाल सकते हैं। अब ये हमारा कीमा ऑलमोस्ट पक गया है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला। है ना, बहुत सिंपल स्टफिंग, बहुत सिंपल होती है, इसमें ऑयल वगैरह नहीं जाता है। अब इसमें हम लास्ट में ऐड करेंगे बस, यहाँ पे मैंने एक बड़ी लार्ज प्याज को चॉप किया है, वो डालेंगे बस। अब इस वक्त गैस की फ्लेम को हाई रखना, हमें प्याज को पकाना नहीं है, गैस की फ्लेम को हाई रखना और उसको साथ में मिक्स करना है। देखिए इस तरह से, इसी के साथ साथ इसमें मैं डालूंगी खूब सारा धनिया। धनिया ज्यादा डालना, इसमें कोफ्ती में ज्यादा जाती है। बस और 1 मिनट पकाएंगे इसको, बस हो गया। ये हमारी स्टफिंग रेडी हो गई है। अब इसको मैं फिलिंग दिखाऊंगी कैसे हम फोल्ड करेंगे समोसा वगैरह। ये देखिए यहाँ पे इस तरह से रेडीमेड शीट्स मिलते हैं, समोसा के रेडीमेड शीट्स मिलते हैं, तो मैं क्या करूंगी आज आपको रेडीमेड शीट से कैसे हम बनाते हैं समोसा ये दिखाऊंगी। इसको रखेंगे हम साइड में ऐसे, और ये जो हमारी स्टफिंग ये हमने बनाई है, आप ध्यान से देखना कैसे बनाना है। ये शीट होती है, इसको ऐसे ऐसे बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम स्टफिंग, हमारी कीमे की स्टफिंग डालेंगे। आप इसी तरह से आलू की भी बना सकते हैं, वेजिटेबल्स की बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको ये कॉर्नर पे हम फोल्ड करेंगे, ये देखिए, फिर ऐसे ही फोल्ड करते जाएंगे इस तरह से, एक 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 ऐसे लेयर फोल्ड करते जाएंगे ये इस तरह से। ये जो लास्ट वाला होता है हम इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए इस तरह से। आपको एक्स्ट्रा आटा लगा के चिपकाने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है। अब इसी तरह से मैं तुम्हें और बनाकर दिखाऊंगी, ये देखिए ऐसे करेंगे। आप चाहे तो इसके अंदर एक एक चीज का पीस भी डाल सकते हैं, फ्राई होने के बाद चीज भी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि मैं ज्यादा हेल्दी साइड में रखती हूँ, अब तो ऐसे ही मैं नहीं डालूंगी चीज वगैरह। ये देखिए डाल के, अब ये इतना बचा हुआ होता है, ये भी आप अंदर ऐसे डाल सकते हैं, बस इसको ऐसे पैक कर देना। ये देखिए हो गया ना बढ़िया समोसा, ये बिल्कुल टूटेगा नहीं, बिल्कुल फिक्र में नहीं करना है। ये देखिए ऐसे मैं और बना के दिखाती हूँ, बहुत इजी है, 2 आप बना लेंगे तो तीसरा आप झटपट से बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से रखे पकड़े,
फिर इसको कॉर्नर में ऐसे फोल्ड करें, फिर इसको ऐसे फोल्ड करते जाए, बस फोल्डिंग फोल्डिंग करना है। ये जो लास्ट का पार्ट होता है ये इसके अंदर टक करना है बस ऐसे, ये देखिए। बस इसी तरह से हम सारे समोसे बनाएंगे। ये देखिए मैंने सारे समोसे फिल कर लिए हैं। ये देखिए हाफ केजी में इतना कंटेनर भर के हो गया। अब क्या कर सकते हैं हम इसको, एक ऐसे एयर टाइट कंटेनर में डाल के हम इसको फ्रीजर में फ्रीज करके कम से कम 1 महीने तक हम स्टोर करके रख सकते हैं। आपको जब भी फ्राई करना होगा आप इसमें से निकाल के 1 घंटा भर तक बाहर रखें, उसके बाद में आप फ्राई कर सकते हैं। वो डिफ्रॉस्ट होने के बाद फ्राई कर सकते हैं। मैं थोड़े इसमें से निकाल के आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। ये देखिए थोड़े निकालूंगी। ये देखिए मैं इतने निकाल के इतने फ्राई करूंगी, बाकी के मैं फ्रीजर में रख दूंगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल रख दिया है, अब हम समोसे को फ्राई करेंगे। देखिए हमारा ऑयल गरम हो गया है, अब एक एक समोसा हम डालेंगे और फ्राई कर लेंगे। ये देखिए स्लो फ्लेम पे फ्राई करना, गैस की फ्लेम हाई मत रखना, नहीं तो ऊपर से पूरा वो कवर जल जाएगा और अंदर से अच्छे नहीं लगेंगे। स्लो करेंगे तो ऐसा अच्छा सा कलर आएगा। ये देखिए इस तरह से कलर आना चाहिए। इसको और थोड़ा फ्राई करेंगे फिर निकाल के इसको सर्व करेंगे। बहुत इजी और सिंपल है, आप जरूर इसको ट्राई करना। देखिए मैंने बताया था आपको कि कवर निकलेगा नहीं, फटेगा नहीं, तो एक्स्ट्रा आटा लगा के उसको सील करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। देखिए ये देखिए सारे इंटैक्ट हैं, सारे अच्छे हैं। ये फ्राई हो गए हैं, मैं अभी इसको निकाल दूंगी। हम इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं विदाउट ऑयल। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी विदाउट ऑयल कैसे हम फ्राई करेंगे एयर फ्रायर में। बाकी की भी तो हम डाल देंगे। ये देखिए ये सारे फ्राई होने के बाद मैं आपको सर्व करके दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने गर्मा गर्म समोसा सर्व किया है, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन लग रहे हैं। मैंने केचप के साथ सर्व किया है, आप इमली की चटनी के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। आप देखिए एक समोसा लेके देखिए बिल्कुल भी ऑयल नहीं दिख रहा है। अगर आपका ऑयल का टेम्परेचर सही हो तो समोसे में ऑयल नहीं पकड़ेगा। होप यू लाइक इट। इस रमजान इसको ट्राई करना। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।